थैंक यू। मैं आभार प्रकट करूंगा और मुबारकबाद दूंगा जनरल जोरावर सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट की कि जिन्होंने पिछले कई सालों से एक इनिशिएटिव लिया है कि जनरल जोरावर सिंह जी की जो बहुत बड़े वॉरियर रहे उनकी जीवनी पर उनकी वर्किंग पर उनकी हिस्ट्री पर हमारे नौजवानों को बताएं और साथ ही साथ जम्मू रीजन के जो नौजवान हैं एंटरप्रेनर्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं अपने तरीके से इनकरेज करें और ख़ासकर जनरल जोरावर सिंह की ट्रस्टी हमारी छोटी बहन दीक्षा कलोरिया और उसके साथ में रिया इतनी यंग एज में अपनी पढ़ाई के साथ साथ ऐसे इनिशिएटिव लेना कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। आज के इस कार्यक्रम में गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे भाई और मैनेजिंग डायरेक्टर सरदार बलवीर सिंह जी, ये भी हमेशा इस किस्म के कार्यक्रम जहां पर नौजवानों को प्रेरित करना हो और उसके अलावा स्पोर्ट्स की अगर बात करें और खासकर हॉकी की तो बहुत बार हमने देखा है कि जम्मू में कितने टूर्नामेंट्स इन्होंने स्पॉन्सर भी किए हैं, आगे आते हैं, मदद करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम के स्टार स्टडेड और हमारे अपकमिंग हम कह सकते हैं कि सुप्रसिद्ध कलाकार रोहित सिंह भाऊ, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। और यहां पर खासकर ज़्यादातर मेरे मीडिया के ही कुलीग्स हैं, इनको भी बताऊं कि रोहित सिंह भाऊ जो कि एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं और इसके साथ में ये मार्टियर एसपी गुलबदन सिंह भाऊ साहब के छोटे सुपुत्र हैं और डॉक्टर सुषमा जीप जी के बेटे हैं। कितने साल पहले मिलिटेंसी की कमर तोड़ते हुए तिरंगे को खुले आसमान पर कश्मीर वादी में फहराते हुए शहीद गुलबदन सिंह भाऊ जी ने शहादत पाई थी और मिलिटेंट्स को मारा था। कितने ही ऑपरेशंस किए, हमारी पत्रकारिता की नई नई उन दिनों में शुरुआत थी जब उनके बैच को जब वो एसओजी और एसटीएफ उन दिनों में बनी थी। आज भी जब हम याद करते हैं तो ऐसा लगता है कि कल की बात है लेकिन हमारे बेटर फ्यूचर के लिए आने वाली जनरेशन के बेटर फ्यूचर के लिए उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी। और दूसरी तरफ नाज होता है यंग रोहित सिंह भाऊ को देखते हुए, मैकेनिकल इंजीनियर बाय प्रोफेशन, शायद जम्मू कश्मीर में रोहित की कैपेसिटी और कैलिबर हम नहीं जान पाए होंगे और अब जान रहे हैं। लेकिन पिछले 11 साल की स्ट्रगल में इन्होंने दिल्ली से पुणे जाकर और वहाँ पे भी स्ट्रगल की और म्यूजिक एल्बम वहाँ पर भी निकाली और एक नहीं बैक टू बैक इनको इतनी फेम और अप्रिसिएशन पूरे हिंदुस्तान में और इंटरनेशनल लेवल पर मिली। लेकिन कहीं ना कहीं अफसोस होता है कि जम्मू कश्मीर की सरकार या हम लोग भी शायद वो फेम कितने सालों के बाद अब रिकग्नाइज कर रहे हैं। लेकिन ये एक उम्मीद है कि जिस तरह रोहित सिंह भाऊ ने अभी जो आज की इनकी डोगरी में जो डोगरी भाषा, हालांकि सभी भाषाएं अच्छी होती हैं और सभी भाषाओं को प्यार करना चाहिए लेकिन जो मातृभाषा होती है वो मातृभाषा ही होती है। वो आदे कि मना दे बोहाल जड़े माऊ ने नहीं खोलता और डोगरा के जरा डोगरी नहीं बोलता, तो शायद इसी से मुझे लगता है कि प्रेरित होकर रोहित सिंह भाऊ ने जो इतनी मेहनत की है दिन रात और ये जो एल्बम आज रिलीज होने जा रही है, मुझे पूरी उम्मीद है ना सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर भी लोग इसको सराहेंगे